जय हिंद, जय भारत। प्लस वाल, एक्चुअली हमको लिखने में तकलीफ हो रही है, इसलिए हमने इसको छोटे में लिख दिया, किसी को बड़े में लिख दिया। राइटिंग हमारा ही है, दोषी मैं ही हूं। फ्लश वाल, रिमोट ऑपरेटेड फ्लश वाल, ये फ्लशिंग सिस्टम आ गया। मैंने सैनिटरी जो है वो आप लोगों को समझा दिया, और सैनिटरी में चार सेशन बनाए, 1, 2, 3, 4, यानी ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ पाए, ज्यादा आपको देरी ना हो समझने के लिए। इसलिए आज हमने ये जो है फ्लशिंग सिस्टम लिया। फ्लशिंग सिस्टम मतलब फ्लश वाल, कि कोई चीज भी फ्लश आउट करो तो बाहर जाए, आप समझिए। तो फ्लश वाल में क्या होता है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, वहां से ऐसा जाएगा, फिर एक तो यूनिट हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहां से WC के लिए जाएगा। ये चीज हो जाती है। इसकी दोनों जो है 130 से 145, लेकिन ये दोनों का बीच सेंटर यदि आप रख दोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। अब भाई 130 145 में 15 सेंटीमीटर पे 137.5 रख दो तो ये काम खत्म हो जाएगा। ऑपरेटेड फ्लश वाल ये जो है अब नहीं चलता है, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे सेटिंग करो, ऐसे सेटिंग करो, फिर नीचे भी मतलब 6 इंची का सेटिंग करो, ये दोनों दूरी में 130-145 का सेटिंग करो, इसलिए तकलीफ होती थी उसमें। तो इसलिए क्या हो गया कि अभी चल रहे मेट्रोपोल फ्लश वाल। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मेट्रोपोल फ्लश वाल में सिंगल डुअल दूठो आ जाता है, सिंगल डुअल दूठो आ जाएगा। तो सिंगल डुअल दूठो आ जाएगा तो अब इसमें 32 और 40 mm दूठो मिलेगा, और 40 mm दूध मिलेगा। 40 mm मतलब क्या हो गया कि कम प्रेशर जहां पे रहे वहां 40 mm डालना, जहां ज्यादा प्रेशर हो वहां 32 mm डालना। तो ये तो दूध हो गया। अब इसमें भी क्या आएगा, सिंगल फ्लश और डुअल फ्लश। सिंगल डुअल फ्लश में छोटा जो होता है वो मेने होता है, लेकिन इतना दाबोगे कि बड़का भी जब दबने लगे तो समझ लेना कि डुअल फ्लश हो रहा है, समझ लेना कि डुअल फ्लश हो रहा है। तो यही सिंगल और डुअल में, इसमें भी तो स्क्वायर प्लेट आ जाएगा, बाद में गोले आ जाएगा, तो स्क्वायर प्लेट आता है, एक ठोका आएगा, ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, तो आके एक ठो छोटा हो जाएगा, एक ठो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मतलब 3 ठो दाना बना रहेगा, इसमें 1 ठो दाना बना रहेगा। तो मतलब ये यूरिन करना है, यूरिन करना है तो छोटा, प्लेटिंग करना है तो बड़ा, बस इतना ही है इसमें। ये मेट्रोपोल फ्लश वाल ही आज के डेट में आपके लिए सबसे जरूरी है। और ये जो ना पुराना हो गया है, इसमें रिमोट ऑपरेटेड आएगा और विदाउट रिमोट ऑपरेटेड आएगा, इसमें सिर्फ बल्की हो जाता, बल्की पूरा दिखने लगता है इतना। रिमोट ऑपरेटेड में नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी समय बल्की दिखने लगेगा। रिमोट ऑपरेटेड मेट्रोपोलेट दिखेगा गोल का हिस्सा, तो डांडी एक तो दिख जाएगा। तो इसलिए हमको वो पुराना चीज बताना ही नहीं है जिसके लिए आपके लिए तकलीफ हो। बाकी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बता दिया, कितना है हम कितना पे। मेट्रोपोल फ्लश वाल सिंगल डुअल हो गया। एक आई फ्लश आता है, बड़ा बॉक्स आएगा और बॉक्स को सेटिंग पे रखा जाएगा, उसमें भी हाफ फुल रहेगा क्योंकि वाटर सेविंग फर्स्ट वन है, तो उसमें हाफ और फुल रहेगा, यूरिन के लिए हाफ और उसके लिए फुल। तो उतना ही वो एयर
डिक्रीज करता है उतना ही एयर जो है छोड़ता है कि ताकि पानी उतना ही कम पानी आ पाए। बस ये आई फ्लश हो गया। कंसोल सिस्टम, भैया कंसोल का सिस्टम आएगा, एक तो शॉर्ट आएगा, एक तो बड़ा आएगा, एक तो स्लिम आएगा, कोई मतलब नहीं, वो दीवाले में टंग जाएगा और कुछ नहीं। उसका ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, पीओपी से आप चिपका के बना सकते हैं। उसका सेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट सवाल कोई भी हो ई नंबर पे फोन करो, जो नंबर है ई नंबर पे फोन करो। अब हमको क्या हो गया कि देश प्रदेश से फोन आने लगे, बिहार से लेके सब जगह से फोन आने लगे। तो हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम लंबा नहीं करना चाहेंगे कि अब देश के कई कोनों से, हरियाणा से, यहाँ से, राजस्थान से, और वहाँ से, गुजरात से, मुंबई से ये आना शुरू हो गए हैं, बिहार से आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए हम इस नंबर को फोकस करेंगे। इसमें आपकी कोई भी शिकायत होगी हम इमीडिएट आपको उत्तर देंगे। उसके लिए हमको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब आप बोलोगे, जब आप फोन करोगे, उसी समय आप उत्तर पा लोगे। हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी, हम जो हम पढ़े वो कहाँ से भूलेगा भाई। हम तो प्लम्बिंग पढ़े हैं ना, 20 चीज तो पढ़े नहीं है, प्लम्बिंग पढ़े हैं तो प्लम्बिंग एक चीज बताएंगे। 200-400 लोग भी जाग गए तो हमारा क्या हर्ज है, सिंपल सिटी है। ये नहीं है कि मतलब हमको यूट्यूब के भरोसे चलना है, चैनल मोनेटाइज करेगा कि नहीं करेगा, हमको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारा एक ही सिस्टम है, सही नियम और सही पदावली। हम अभी जैगवार का आपको सेशन पढ़ा रहे हैं, सेशन पढ़ाने के बाद उसके बाद आपको बताएंगे कि एक एक प्रोडक्टवा में का का कमी है और का का अच्छाई है, वो एक एक प्रोडक्टवा में हम बताएंगे आपको, वो जैगवार के। और बाकी ऐसे कितने कंपनी है हमारे पास जो हम आपको बता नहीं सकते, तो वो समझो। आई फ्लश माने वही है, एक तो हाफ, एक तो फुल, है फुल माने बड़ा दिखा दो, दू थो एक तो हाफ माने एक तो दिखा दो। कंसल सिस्टम मतलब ये तो टंकी रहेगा फ्लश का, जो ऊपर दिखाता था वो देवलिया के अंदर वहां चला जाएगा, तो कंसल सिस्टम हो जाएगा। वालंग सिस्टम मतलब वही चीज है, जो कंसल नहीं होगा वो ऊपर दिखाएगा, इसमें कुछ है नहीं। एक बार दबाओगे 10 लीटर जाएगा, 6 लीटर जाएगा, इसमें भी हाफ फुल आता है। अब कंसिल फ्लश प्लेट मतलब ये जो है कंसिल टैंक जब लग जाएगा तो उसको ऊपर प्लेट लग जाता है हाफ फुल का, क्योंकि वाटर सेविंग पे सबका ध्यान है। जो आदमी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता आज के डेट में, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। जो पानी नहीं बचा सकता वो इंसान है नहीं है, जल ही जीवन है। अब उसके बाद कंसिल प्लेट फ्लशिंग 32-40 mm, 20 mm पे आता है। फ्लश वाल, ये जो फ्लश वाल का जो है 30 mm से लेके 145 mm सेटिंग है। हम क्या करें, 130 काट दें, 145 काट दें, एक दोनों दोनों को आधा कर दें ना, दोनों को आधा कर दें, उतने भी सेटिंग रखना चाहे यारो से बैठ जाएगा, चाहे इधर से भी बैठ जाएगा। ये फ्लश वाल जो सिस्टम है ये पुराना वाला, तो यहाँ 32 mm यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आएगा। मई भैया ये जो दूरी है ये 6 इंच से ज्यादा नहीं रखना, ये आउटलेट है, यो 32 mm, ये तो यहाँ एक मुंडी बना रहेगा, लेकिन एक 32 mm जो है ये चूड़ी पे रहेगा, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा। कम एक सेटिंग जो है हाई है, सेटिंग ये है, 130 mm से 145 mm तक एक दूरी चेक किया जाए। हम कहें बीच वाला रख देते हैं, काम खत्म हो जाए। जिस तरीके से वाल मिक्सर
बाल मिक्सर के लिए। गुरु एम जाओगे तो 150 मांगेगा, कभी भी 160 एमएम रखो। ये एल्बो दूरी जो है, ये दोनों दूरी जो है 160 एमएम रखो। दुनिया कौनो मिक्सर रहेगा बैठ जाएगा। अभी 160 एमएम में हाई जो एल्बो रखो, हाई एल्बो रखो तो एकर मुंह या गो की टेढ़ा ना चाहिए, एकर मुंह या गो की टेढ़ा ना चाहिए। टेढ़ा का चाहिए, पूरा सीधा चाहिए। सीधा रखोगे तभी काम करेगा। अभी एकर एकर दूरी जो है 160 एमएम बन गवा, कौनो बैठी, ग्रोहे वाला भी बैठी या सब बैठी, और इसको नहीं मतलब आपने केयर किया तो भैया मतलब गायब हो। यह नाते 160 एमएम की दूरी रखो वाल मिक्सर का, और कौनो दिक्कत ना हो तो हाई नंबर पे फोन करो। यहाँ पैसा नहीं लगने वाला है, सब फ्री है, फ्री में सीखो ना। सिस्टम अभी हम इसका मॉडल बता रहे हैं जैगवार का, और जिस दिन एक एक चैप्टर पे उठाएंगे तो इसको हम पूरा बताएंगे और इसको भी पूरा बताएंगे। समझ पा रहे? कुछ नहीं करना है, खाली 500,000 लोग रोजगार पा जाओ प्रेम प्लम्बिंग सर्विसेज से। यहाँ मतलब एबीसी है, सोनोटेक है, सब दिखा रहे हैं बेचारे अपने। क्या ये नहीं कि कोई खराब है, बट रहा सवाल कैसा है कि प्लम्बर बनाया कैसे जाता है वो चीज नहीं दिखा रहे हो। तो ये चीज दिखाने का मतलब है कि प्लम्बर बनते कैसे हैं। जिस 100-200 लोग भी रोजगार पा जाएंगे तो उनको हर्ज क्या है? उनको हर्ज कोई नहीं है। और वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा इसलिए हम काट काट के दिखा रहे हैं कि मतलब हम आपको पूरा बता नहीं पा रहे हैं। और ये जगवार सेशन पढ़ाने के बाद हम एक एक चीज वेलनेस स्पा ये वो सब एकदम खिलौने तरीका एक एक थू वो किसमें बना ब्लॉग में आपको सिखा देंगे, ब्लॉग में सिखा देंगे। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हमें कुछ सीखना है। इसका कोई सवाल हो इस दुनिया से हमसे पूछे, यदि उसको हिंदी आता हो तो अंग्रेजी भाई नहीं बता पाएंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। ये इतना लिख लेते हैं, हम प्रैक्टिकल आदमी है बस इसलिए। इसके आगे जो भी आपका कोई सवाल रहेगा वो आप पूछा कीजिए, और उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कि हम कटाऊ हैं काट लेंगे, हम फोन पे उठ के आपको काट लेंगे क्या? नहीं ना, आप पूछिए। हमने सिखाने का ठीका लिया है तो शुद्ध रूप से लिया है। मुझे मेरे भारतवासियों पे गर्व है, और मैं पूरे भारतवासियों को बोल रहा हूं यार 200-500 लोग तो सीख लो, 200-500 लोग तो सीख लो। नहीं तो फोटो देखने से भाई ऐसा इंस्टॉलेशन, ऐसा इंस्टॉलेशन है, नहीं सीख पाओगे। यहाँ मिलेगा एक और पूछे एक एक कहा हाइटेड हाइटेड चीज। जब कोई चीज सीखना रहेगा आपको तो उन्हें क्या लगता है? डायवर्टर लगता है, मेट्रोपोल प्लस वाल लगता है, ई लगता है, सिस्टम लगता है, तो मतलब 1050 से 1150 के बीच में जाएगा। अब इसका सेशन जो जब हम पढ़ाएंगे वो शॉर्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, पहले हमको जगवार खत्म कर लेने दो ताकि आपकी तकलीफ न बढ़े। जब इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जिंदगी में हारा वही जो लड़ा नहीं। हमको क्या करना भैया, हमारा तो सब बना पड़ा है, हमारा घर द्वार सब कुछ बना दिया हमने इसी प्लम्बिंग के बेस में, समझे। मैं किस गांव में रहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां है वहां का डिटेल जब चाहो तो आप जान लो। मेरा एक ही सिद्धांत है कि अच्छा करने में जाता क्या है। इतने टाइम तक कोई वीडियो तो हमारा देखेगा नहीं कि हमारे लास्ट सेशन तक वो वीडियो देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे फर्क उन बच्चों से पड़ता है कि जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार हैं, अब बेरोजगार बच्चे इस चीज को देखते हैं ताकि उनके पास रोजगार फ्री में मिल जाए। समझ पाए? जय हिंद, जय भारत।